दोस्तों, अगर आप अपनी फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए अभी तक शेयरिट या उसके जैसी कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करते थे जो कि अब बैन हो चुकी है और आप लोग परेशान हैं कि अब हम अपनी फाइल्स को कैसे ट्रांसफर करें, तो घबराने की कोई बात नहीं है। एंड्रॉयड ने अपना खुद का एक फीचर इस चीज़ के लिए दे दिया है जिसकी मदद से आप अपनी फाइल्स को बहुत ज़्यादा आसानी के साथ में, इवन पहले जितना आप शेयरिट के साथ में भी नहीं कर पाते थे, उतनी आसानी के साथ में अपनी फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई एडिशनल आपको ऐप नहीं डालनी है। अपने फ़ोन पे इस ऑप्शन को कैसे इनेबल करना है, कैसे यूज़ करना है, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अपने डिवाइस पर नियर बाय शेयरिंग ऑप्शन इनेबल करने के लिए आपको अपने फ़ोन की गूगल प्ले सर्विसेज को बीटा में अपडेट कर लेना है। फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बीटा में ये फीचर अवेलेबल है, स्टेबल में नहीं है। अगर आप ये वीडियो कभी बाद में देख रहे हो तो हो सकता है आपको स्टेबल में भी ये फीचर देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, इसके लिए आपका जो डिवाइस है एंड्रॉयड 6 या फिर ऊपर से उसके ऊपर के किसी भी वर्जन पर रनिंग होना चाहिए। उससे नीचे है तो अभी ये फीचर आपके डिवाइस पर काम नहीं करेगा। तो सिंपली आपको अपनी गूगल प्ले सर्विसेज को अपडेट कर लेना। आप चाहो तो प्ले स्टोर से जाकर के भी उसे बीटा प्रोग्राम ज्वाइन करके अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा मैं भी यूज़ करने वाला हूँ अल्टरनेटिव मेथड जो कि होने वाला है एपीके मिरर। तो मुझे यहाँ पे सर्च कर लेना है गूगल प्ले सर्विसेज। और इसके बाद में आपको सिंपली जाना है और डाउनलोड कर लेना है लेटेस्ट गूगल प्ले सर्विसेज जो भी आपके टाइम पे चल रही है। और इसे आपको एक बार डाउनलोड करने के बाद अपने फ़ोन पे सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। तो जल्दी से प्रोसेस कर लेते हैं। तो अभी सिंपली हमें इस फाइल को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन के बाद में सिंपली इसको डन कर देना है। और डन के बाद में अब हमें अपने फ़ोन को रीस्टार्ट देना होगा ताकि हम उस फीचर को यूज़ कर पाएँ। बाद में आपका फ़ोन तैयार है एंड्रॉयड नियर बाय शेयरिंग के लिए। इसके लिए आपको जाना आपके फ़ोन के क्विक टॉगल्स में और नीचे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको नियर बाय शेयरिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। पहले हो सकता है आपके फ़ोन में थोड़ा नीचे आए तो आप इसको ऊपर ड्रैग कर लेना। और अभी बैक चलते हैं। यहाँ जा कर के आप सिंपली इस पर टैप करोगे तो एक पॉपअप आ जाएगा और इस पॉपअप से जा कर के आप इसे इनेबल कर सकते हो। और इसके लिए आपको आपके फ़ोन पर लोकेशन, ब्लूटूथ और वाईफाई की परमिशन आपको देनी होगी। उसके बाद में ये आपका काम करेगा। इसमें आपको कुछ बेसिक से सेटिंग्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपका फ़ोन किसका है। तो अभी मैं अपने फ्रेंड का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। डिवाइस नेम आपको दिख जाएगा। इसके अलावा डिवाइस विजिबिलिटी यहाँ पर अच्छी चीज़ मुझे लगी है, प्राइवेसी। तो आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे आपके ईमेल अकाउंट पर, आपके मोबाइल नंबर पर, वो सब आपके फ़ोन की विजिबिलिटी के लिए अवेलेबल रहेंगे। चीज़ें कुछ वैसी हैं जैसे ब्लूटूथ के साथ में काम करता था। अगर आप चाहते हो सम कॉन्टैक्ट्स तो आप चूज़ कर सकते हो किस किस को आपके डिवाइस की विजिबिलिटी दिखाई दे। अगर आप हिडन रखना चाहते हो तो आप हिडन रख सकते हो, कोई भी आपको नहीं देख पाएगा। तो नॉर्मली ऑल कॉन्टैक्ट्स पर इसको फिलहाल के रखते हैं। और यहाँ आपको डेटा में तीन मोड मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा, यानी कि आपका मोबाइल डेटा। अगर छोटी मोटी फाइल्स आपकी होंगी, कोई इमेज वगैरह, तो उसको यूज़ करने के लिए आप डेटा पे सेलेक्ट रख सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो वाईफाई पे भी उसको रख सकते हो। और अगर आप चाहते हो तो आप उसको विदाउट इंटरनेट भी रख सकते हो। विदाउट इंटरनेट पर आपकी जो फाइल्स होंगी वो सारी शेयर होती हैं ब्लूटूथ के ऊपर। अगर आप वाईफाई ओनली रखते हो तो वाईफाई ओनली पे वाईफाई डायरेक्ट एक फीचर आपके फ़ोन में होता है, उस पर आपकी सारी फाइल्स काम करेंगी। तो यहाँ पे इसको अपडेट कर देते हैं और इसके बाद में हमारा डिवाइस तैयार है शेयरिंग करने के लिए। और अभी मेरे पास दो फ़ोन हैं जिसमें से मैं एक फ़ोन से ट्रांसफ़र करूँगा दूसरे फ़ोन पर। तो ट्रांसफ़र करने के लिए मैं ये वाला डिवाइस यूज़ कर लेता हूँ। इसमें ऑलरेडी मैंने इनेबल किया हुआ है सेम वही मेथड यूज़ करके। तो यहाँ चलते हैं एमएक्स प्लेयर में और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ MP3 फाइल्स हैं। चलिए वीडियो देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 116 MB की फाइल है। इस पर हमें जाना है और सिंपली शेयर बटन पे जाना है। इसके बाद में नियर बाई शेयर का ऑप्शन आप भी देख सकते हैं। सिंपली आपको इसे टैप कर लेना है और जो भी परमिशन ये मांगता है आपको वो ऑन कर देनी है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने अंशुल वाले फ़ोन पे किया था। दरअसल यहाँ पे मेरा भी फ़ोन आ रहा है तो अभी मुझे अंशुल वाले फ़ोन पे ट्रांसफ़र करना है। तो मैंने यहाँ इसको सिंपली इस पर टैप किया और दूसरे फ़ोन पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ गया। दरअसल DND लगाया हुआ था इसलिए पॉपअप नहीं आया था। ये हमें इस तरह का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सिंपली इस पर हमें एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है।
और इसके बाद में आप देखेंगे आपका फाइल ट्रांसफर शुरू हो चुका है, दोनों ही डिवाइसेस पर आप देख सकते हैं। और ऊपर की तरफ अभी आप स्पीड भी देख सकते हैं कि किस स्पीड से आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे वाईफाई डायरेक्ट, ब्लूटूथ और आपका मोबाइल डेटा, तीनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। रिसेंटली जैसा मैंने आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाए थे, अपनी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं और आपका डेटा बहुत आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान था अपने एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर फाइल्स को भेजना, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल किए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। अगर आपको कोई सवाल है, सुझाव है, कोई भी सजेशन वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझसे बात करना चाहते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे आने वाले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।